हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे आधुनिक भारत के बारे में। आधुनिक भारत के बारे में आज मैं आपको सब कुछ बताऊंगा जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है। ये वीडियो जो है वो क्विक रिवीजन के लिए बनाई गई है, क्योंकि आधुनिक भारत पूरा पढ़ना एग्ज़ाम के टाइम पॉसिबल नहीं है, इसीलिए इस वीडियो को बनाया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले 1885 में क्या हुआ था? इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। किसने की थी? ये की थी AO ह्यूम ने। और इसकी पहली बैठक जो हुई थी वो हुई थी मुंबई में। इसके जो पहले अध्यक्ष थे वो थे उमेश चंद्र बैनर्जी। तो आप जो मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता रहा हूँ वो आप कॉपी में नोट डाउन कर लेना। इसके बाद आता है जी 1905। 1905 में क्या हुआ था? लॉर्ड कर्जन के टाइम बंगाल विभाजन की घोषणा की गई थी, जिसके विरोध में क्या हुआ था? बंग भंग आंदोलन शुरू किया गया था, जिसे स्वदेशी आंदोलन भी कहा जाता है। इसके बाद आता है 1906। 1906 में क्या हुआ सर? दोस्तों 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी। किन के द्वारा की गई थी? आगा खां और सलीम उल्ला खां के द्वारा। कहाँ पे की गई थी? ढाका में। और इसकी जो पहली मीटिंग थी वो हुई थी अमृतसर में। इसके बाद आता है 1907। 1907 में क्या हुआ था? कांग्रेस का सूरत अधिवेशन हुआ था, जिसमें कांग्रेस विभाजन हो गया था। कांग्रेस का नरम दल और गरम दल, यानी कांग्रेस जो है वो दो भागों में बट गई थी। एक था नरम दल और एक था गरम दल। इसे सूरत फूट के नाम से भी जाना जाता है। और ये जो अधिवेशन था कांग्रेस का, इसके जो अध्यक्ष थे उस टाइम वो थे रास बिहारी बोस। उसके बाद आता है 1916। 1916 में क्या हुआ था? एक तो जो इंडियन नेशनल कांग्रेस जो दो हिस्सों में बट गई थी, नरम दल और गरम दल, वो मिलकर एक हो गई थी। और उसे मिलाने वाली थी, सॉरी, एनी बेसेंट। होम रूल लीग जो आंदोलन था वो किसने शुरू किया था? बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने। कब किया था? 1916 को। इसके बाद आता है लखनऊ पैक्ट, दिसंबर 1916 में हुआ था। ये कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के बीच समझौता हो गया था इस पैक्ट के अंदर। चलिए आगे करते हैं। आगे आता है हमारा 20 अगस्त 1917। इसमें क्या हुआ था? उस टाइम भारत के जो मंत्री थे लॉर्ड मोंटेग्यू, उन्होंने घोषणा की थी, जिसे कहा जाता है मोंटेग्यू घोषणा। इसके बाद हुआ था 19 मार्च 1919 को क्या हुआ था? रोल्ट एक्ट पारित किया गया था, जिसे काला कानून कहा जाता था, जिसके अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को संदेह के आधार पर गिरफ्तार कर लिया जा सकता था। इसके बाद आता है 13 अप्रैल 1919, जलियांवाला बाग हत्याकांड। इसके बारे में तो आप सब कुछ जानते ही होंगे वैसे। इस हत्याकांड में क्या हुआ था? लोग इकट्ठा हुए थे जलियांवाले बाग, जो कि अमृतसर में है वहां पे, और जनरल ओ डायर ने गोलियां चलाकर निहत्ते लोगों को मार दिया था, जिसके वजह से क्या हुआ था? लोग जो है अंग्रेजों के खिलाफ हो गए थे, और उन्होंने खिलाफत आंदोलन शुरू किया था 1919 में। किसने किया था? शौकत अली और मोहम्मद अली ने। इसके बाद आता है जो ये जलियांवाला हत्याकांड हुआ था, उसकी जो जांच के लिए एक कमेटी बिठाई गई थी, जिसे कहा था हंटर कमेटी, वही 1920 में हुई थी। 8 मई 1920 में जो है हंटर कमेटी की रिपोर्ट जो प्रकाशित हुई थी, जलियांवाले बाग से संबंधित है ये हंटर कमेटी। उसके बाद आता है दिसंबर 1920।
1920 में क्या हुआ था? असहयोग आंदोलन पारित किया गया था, प्रस्ताव रखा गया था कांग्रेस का, जो नागपुर अधिवेशन था उसमें। उसके बाद जो असहयोग आंदोलन आरंभ कब हुआ था? 1 अगस्त 1920 को, और इसके अध्यक्ष कौन थे? महात्मा गांधी। चलिए आगे करते हैं। इसके बाद आता है चोरा चोरी कांड। चोरा चोरी कांड क्या था? गोरखपुर जिला जो कि उत्तर प्रदेश में है, वहां पे जो असहयोग आंदोलन के दो लोग थे, उन्होंने एक थाने को आग लगा दी थी, जिसमें बहुत सारे पुलिसकर्मी और जो कैदी थे वो मारे गए थे। उसे ही कहा जाता है चोरा चोरी कांड। ये कब हुआ था? 5 फरवरी 1922 को। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उसके बाद आता है 1 जनवरी 1923। मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। उसके बाद आता है अक्टूबर 1924। अक्टूबर 1924 में क्या हुआ था? हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना हुई थी। किसने की थी? सचिंदर सान्याल ने। इसके बाद आता है 8 नवंबर 1927। 8 नवंबर 1927 को क्या हुआ था? साइमन कमीशन की नियुक्ति की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? जान साइमन की अध्यक्षता में। इसमें 7 मेंबर थे। इसके बाद आता है 3 फरवरी 1928। 3 फरवरी 1928 में क्या हुआ था? साइमन कमीशन भारत आया था, जिसका विरोध किया गया था। क्यों किया गया था? क्योंकि इसमें जो मेंबर थे वो क्या थे? सभी अंग्रेज थे, इसीलिए इसका विरोध किया गया। और इसका सबसे ज्यादा विरोध किया था लाला लाजपत राय ने। तो इसके विरोध में अंग्रेजों ने भी लाठीचार्ज किया, जिसके वजह से लाला लाजपत राय थे, उनके जो सर में लाठी लगने से उनकी मृत्यु हो गई थी। चलिए आगे देखते हैं। उसके बाद है अगस्त 1928, पंडित मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में नेहरू रिपोर्ट जारी की गई थी। उसके बाद आता है अक्टूबर 1928। अक्टूबर 1928 को क्या हुआ था? जो गुजरात के जो किसान थे, उनके जो कर में वृद्धि कर दी गई थी, जिसे रोकने के लिए वहां पे बारदोली सत्याग्रह शुरू किया गया था। किसके द्वारा शुरू किया गया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा। वहां पे ही जो गुजरात की जो महिलाएं थी, उन्होंने महात्मा गांधी से कहकर वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी। उसके बाद आता है 8 अप्रैल 1929। ये क्या था? लाहौर षड्यंत्र केस। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने जो अंग्रेज असेंबली थी उसमें बम फेंका था, जिसका मकसद किसी की जान लेना नहीं था, बस सिर्फ अंग्रेजों को ये बताना था कि हम आजादी लेकर रहेंगे। इसके बाद आता है दिसंबर 1929, कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन। इसमें क्या हुआ था? पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। इसके बाद आता है 2 जनवरी 1930। इसे किस रूप में मनाया जाता है? 26 जनवरी को स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसके बाद आता है 9 नमक सत्याग्रह। 12 मार्च 1930 से 5 अप्रैल 1930 तक ये जो सत्याग्रह था, ये चला था। महात्मा गांधी के द्वारा शुरू किया गया था। महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम से शुरू किया था ये आंदोलन, और डांडी में जाकर वहाँ पे नमक बनाकर इस नमक
कानून को भंग किया था। इसे ही नमक सत्याग्रह कहा जाता है। इसके बाद जब नमक सत्याग्रह शुरू किया था, यानी कानून भंग करने के बाद 6 अप्रैल 1930 को महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कर दी थी। इसके बाद आता है 12 नवंबर 1930। 12 नवंबर 1930 को क्या हुआ था? प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था प्रधानमंत्री मैकडोनाल्ड की अध्यक्षता में। कहाँ पर हुआ था? लंदन में। उसके बाद आता है 4 मार्च 1931। 4 मार्च 1931 को क्या हुआ था? गांधी इरवन समझौता हुआ था। उस टाइम के जो वाइस राय थे वो थे लॉर्ड इरवन, और गांधी जी के मध्य एक समझौता हुआ था। इसमें क्या किया गया था? जो सविनय अवज्ञा आंदोलन था उसे एक बार रोक दिया गया था। चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद आता है 7 सितंबर 1931 द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, जिसमें गांधी जी ने भाग लिया था। किसके कहने पे? लॉर्ड इरवन के कहने पर। इसके बाद आता है 16 अगस्त 1932। क्या हुआ था 16 अगस्त 1932 को? मैकडोनाल्ड के द्वारा प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व प्रदान करना। इसके बाद आता है 24 सितंबर 1932। क्या हुआ था? पूना पैक्ट। पूना पैक्ट क्या था दोस्तों? गांधी जी और अंबेडकर के बीच एक समझौता, जिसमें सांप्रदायिक पंचाट में दलितों के लिए एक जो विधानसभा में सीटों का राखवा कर दिया गया था, 71 थी पहले, उन्हें बढ़ाकर कितना कर दिया गया था? 148 कर दिया गया था। यानी दलितों के लिए सीटें बढ़ाकर 148 कर दी गई थी। इसे ही पूना पैक्ट के नाम से जाना जाता है। इसके बाद आता है 17 नवंबर 1932। 17 नवंबर 1932 को क्या हुआ था? तीसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था। इसमें कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। इसके साथ ही ये क्वेश्चन ये बनता है कि ऐसा कौन सा व्यक्ति था जिसने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था? तो वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। उसके बाद आता है मई 1934, जयप्रकाश नारायण, मीनू मसानी और एस एम जोशी, इन्होंने क्या किया था? कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया था। चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद आता है फॉरवर्ड ब्लॉक। इसकी स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने की थी 1 मई 1939 को। इसके बाद आता है 22 दिसंबर 1939, जिसे मुक्ति दिवस के रूप में जाना जाता है, क्योंकि जो कांग्रेस के जो सभी मंत्री थे उन्होंने एक साथ त्याग पत्र दे दिया था, जिसे मुसलमानों ने कहा था कि हमें कांग्रेस से छुटकारा मिला, तो इसे मुक्ति दिवस, यानी कांग्रेस से मुक्ति मिल गई है, तो इसे मुक्ति दिवस के नाम से जाना जाता है। इसके बाद 24 मार्च 1940 पाकिस्तान की मांग की गई थी। ये जो अधिवेशन हुआ था, ये हुआ था लाहौर में। मुस्लिम लीग का ये अधिवेशन था और इसकी अध्यक्षता की थी मोहम्मद अली जिन्ना ने। मोहम्मद अली जिन्ना थे जो मुस्लिम लीग के अध्यक्ष थे, उन्होंने ही पाकिस्तान की मांग की थी लाहौर अधिवेशन में 1940 में। इसके बाद आता है 8 अगस्त 1940, अगस्त प्रस्ताव इसे कहा जाता है। वाइस राय ललित गोखले उस टाइम। इसके बाद आता है मार्च 1942। क्या हुआ था? क्रिप्स मिशन का प्रस्ताव रखा गया था स्टीफर्ड क्रिप्स के द्वारा। इसके बाद 8 अगस्त 1942
में क्या हुआ था? भारत छोड़ो प्रस्ताव रखा गया था महात्मा गांधी के द्वारा। इसमें ही महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था। इसके बाद आता है 25 जून 1945, जो सभी राजनीतिक दल थे उन्होंने एक सम्मेलन किया था। कहाँ पे किया था? शिमला में। इसे ही शिमला सम्मेलन कहा जाता है। सॉरी, चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद आता है 19 फरवरी 1946। 19 फरवरी 1946 को क्या हुआ था? नौसेना विद्रोह हुआ था। क्या हुआ था? मुंबई INS तलवार के जो सैनिक थे उन्होंने विद्रोह कर दिया था, क्योंकि जो अंग्रेजी सैनिक थे और जो इंडियन सैनिक थे उनके अंदर भेदभाव किया जाता था। इसके ही विरोध में उन्होंने विरोध किया था। इसके बाद आता है 15 मार्च 1946, प्रधानमंत्री एटली की घोषणा। भारत को जो स्वतंत्रता प्राप्त करनी थी उसकी घोषणा कर दी गई थी। किसके द्वारा? प्रधानमंत्री एटली के द्वारा भी भारत को आजाद कर दिया जाएगा। उसके बाद 24 मार्च 1946 को क्या हुआ था? कैबिनेट मिशन का आगमन। ब्रिटिश मंत्रिमंडल ने 3 सदस्य, पैथिक लॉरेंस, सर स्टीफोर्ड क्रिप्स एवं AB अलेक्जेंडर का भारत आगमन, कैबिनेट मिशन आयोग का प्रकाशन 16 मई 1946 को हुआ था। इसके बाद आता है 16 अगस्त 1946। 16 अगस्त 1946 को क्या हुआ था? मुस्लिम लीग के द्वारा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस के रूप में मनाया गया था। उसके बाद आता है 2 सितंबर 1946, क्या हुआ था? नेहरू प्रधानमंत्री बने। कब बने थे? 2 सितंबर 1946 को। इसके बाद आगे देखते हैं। इसके बाद आता है 3 जून 1947, माउंटबेटन योजना भी कहा जाता है इसे। क्या किया था? लॉर्ड माउंटबेटन थे उस टाइम, सॉरी वाइसराय जो थे वो माउंटबेटन थे, उन्होंने भारत विभाजन की योजना रखी थी। उसके बाद 15 अगस्त 1947 को क्या हुआ था? स्वतंत्रता की प्राप्ति हो गई थी भारत को, भारत आजाद हो गया था। उसके बाद 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को प्रथम राष्ट्रपति बनाया गया था। और 26 जनवरी 1950 को भारतीय गणतंत्रता दिवस की स्थापना हुई थी। 18 अप्रैल 1951 को क्या हुआ था? भूमिदान आंदोलन हुआ था। इसकी शुरुआत पंचमपल्ली ललगोड़ा, जो कि तेलंगाना में है, विनोबा भावे ने की थी। इसकी जो शुरुआत की थी विनोबा भावे ने, और जो रामचंद्र रेड्डी थे उन्होंने अपनी भूमि सबसे पहले दान की थी। तो आज का जो हमारा चैप्टर है यहाँ पे खत्म होता है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।